अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है टू वे स्विच के इस्तेमाल करने का तरीका। टू वे स्विच के इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज हम इसको इस्तेमाल करेंगे कि हमने किसी भी जगह पर टू वे से हम एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप और हम टू वे स्विच की मदद से किसी भी मोटर को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका घर में दो फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी आपने मोटर का स्विच लगाना चाह रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी आप मोटर का स्विच लगाना चाहते हैं, तो आप ये वाला सर्किट जो है, तो आप इस सर्किट से आसानी से मोटर को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। आप पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो मार्केट में जो टू वे स्विच है वो आसानी से अवेलेबल होता है। आपने आम स्विच देखा होगा, जैसा कि ये एक आम स्विच है, आप देख सकते हो कि इसकी बैक साइड पे दो पॉइंट हैं, इनमें से यहाँ पर हम इनपुट देते हैं और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। लेकिन जो टू वे स्विच होता है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। टू वे स्विच के अंदर आपके जो तीन पॉइंट्स होंगे, इसमें से जो दरम्यान वाला जो पॉइंट होता है ये कॉमन पॉइंट होता है, और जबकि ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पॉइंट ये आउटपुट के पॉइंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर दरम्यान में इनपुट्स देते हैं तो यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं, यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं। जैसे हम इस स्विच को ऊपर को दबाएंगे तो यहाँ से आउटपुट जाना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर हम इसको नीचे से दबाएंगे तो ये यहाँ से इसकी आउटपुट जाना स्टार्ट हो जाएगी। इस सर्किट को बनाने के लिए जो हमें सामान की जरूरत है वो है दो टू वे स्विच होंगे हमारे पास, और एक बोर्ड चाहिए और एक लैंप चाहिए और कुछ पीस ऑफ वायर चाहिए, और एक आपके पास टेस्टर और एक प्लास होना चाहिए, तो आप आसानी से इस सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने ये इसकी सर्किट डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। इसे सर्किट डायग्राम को आप आसानी से देखकर अपना ये सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर हमारा सप्लाई है, न्यूट्रल है और फेस है। हमने फेस चेक किया, पहले स्विच के दरमियान में फेस दे दिया, और ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों स्विच के पॉइंट्स को दूसरे स्विच के ऊपर और नीचे वाले पॉइंट के साथ हमने जोड़ दिया, और दरमियान में से आउटपुट लेकर हमने क्या किया, मोटर के फेस पॉइंट के साथ लगा दिया, और जो न्यूट्रल है वो हमने डायरेक्ट मोटर को दे दिया। ये इस सर्किट से हम किसी भी सिंगल फेस मोटर को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर ये आप फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर स्विच लगा देते हो और ये आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर स्विच लगा देते हो, तो आप ऊपर से भी मोटर को ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो, और आप नीचे ग्राउंड फ्लोर से भी उस मोटर को ऑन या ऑफ कर सकते हो। इस सर्किट का जो दूसरा इस्तेमाल है वो ये है कि आप इसको सीढ़ियों के दरमियान में भी लगा सकते हैं। यानी कि आपने क्या करना है, सीढ़ियों के दरमियान में आपने बल्ब लगा देना है, और एक स्विच आपने सीढ़ियों के नीचे स्टार्टिंग में लगा देना है, और एक स्विच आपने सीढ़ियों के ऊपर एंड पॉइंट पे लगा देना है, जहां पर आपकी सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। आप क्या करेंगे, आप यहां से आपको स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करने से आपका बल्ब चल पड़ेगा, और जैसे ही आप सीढ़ियों के ऊपर चले जाएंगे और आप यहाँ से इस बल्ब को ऑफ कर सकेंगे। यानी आप दोनों स्विच से जो लैंप को ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये आप सर्किट सीढ़ियों के दरमियान में भी लगा सकते हो। इस स्विच का जो तीसरा इस्तेमाल है वो आप इसको अपने बेडरूम के अंदर भी इस सर्किट को लगा सकते हो। यानी कि आपके हमें आपको पता है कि बेडरूम में डोर के साथ ही मेन स्विच लगा होता है, और मेन स्विच के ऊपर लाइट्स के बटन होते हैं। आपने क्या करना है, एक स्विच आपने मेन बोर्ड के ऊपर लगा देना है, और दूसरा आपने सब बोर्ड के साथ टू वे स्विच लगा देना है। आप डोर में से एंटर होते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप बेड पे लेट जाते हैं, आप सर्दियों में अक्सर होता है कि आप रजाई के अंदर या कंबल के अंदर लेटे हुए हैं, तो आपको उठकर मेन बोर्ड से जो लाइट को बंद करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, वो जो एक बोर्ड जो है वो बेड के साथ ही लगा देते हैं। आप इसका एक स्विच आप इन सब बोर्ड में लगा देंगे और एक मेन बोर्ड में लगा देंगे। आप इसको यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, आप और यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इसका जो तीसरा इस्तेमाल होता है, आप इस सर्किट को वॉशरूम के अंदर भी लगा सकते हो। यानी कि वॉशरूम के बाहर भी इस स्विच एक टू वे स्विच लगा दें, और वॉशरूम के अंदर भी लगा दें। आप बाहर से भी लाइट को, वॉशरूम की लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, और वॉशरूम की लाइट को बाहर से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। वीडियो के एंड पे मैं ये सर्किट डायग्राम जो शो कर दूंगा, आप वहां से देखकर ये सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको फिजिकली ये बनाकर सर्किट को दिखाता हूं कि ये कैसे सर्किट बनता है। सबसे आपने दो स्विच लिए और दो पीस ऑफ वायर लिए। हमने क्या करना है, सर्किट डायग्राम के मुताबिक हमने सबसे पहले इसके जो स्विच के ऊपर वाले हिस्से को और उस स्विच के ऊपर वाले हिस्से को कॉमन कर देना है। मैं थोड़ा सा सर्किट कम्प्लीट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी।
स्विचों के आपस में कनेक्शन कर लिए। अब हम मेन बोर्ड के साथ इसके कनेक्शन करते हैं। आप इस लैंप की जगह पर मोटर भी लगा सकते हैं। मैंने इसलिए लैंप लगाकर दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से ये नजर आ जाए। आपने क्या करना है, जो लैंप का फेस वायर है वो आपने इधर लगा देनी है और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको वापडा के साथ कनेक्ट करना है। जो फेस वायर है वो मैं इस स्विच के जो है दरमियान वाले टर्मिनल के साथ, हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब हम इस सर्किट को चला के देखते हैं। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। हम इस लैंप को दोनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इस स्विच से भी, और इस स्विच से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ही हम जो मोटर के कनेक्शन भी कर सकते हैं। इस लैंप की जगह पर आपने मोटर लगा देनी है और आप इस स्विच को, इन दो स्विचों के साथ आप मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको बेडरूम के अंदर भी लगा सकते हैं, बेडरूम के अंदर भी आप इसके मतलब लैंप को दोनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ईटी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। अगर आप कोई और डिमांड पे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट्स करें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।